नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और आज हमारे साथ है मिस्टर हरीश जी, जो एक्चुअल में मेरे साथ पहले इनका गाड़ी का भी काम होता था, बट वो कंपनी मैंने छोड़ दिया है, तो जान पहचान इनसे बहुत पुराना है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस किस तरह से स्टार्ट किया और क्या क्या करते हैं अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में और किस तरह का सर्विस देते हैं। तो हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर। तो और हमारा क्या है, हमारा न्यू एकता ट्रांसपोर्ट के नाम से हमने गाड़ियां बनाई हुई हैं। हमने 2017 में पहली गाड़ी ली थी, उसके जरिए से हमारे पास आज 5 गाड़ियां हैं, जिसमें कि 17 फुटी हैं, 14 फुटी हैं, 19 फुटी हैं। अपना दिल्ली दिल्ली लोकल काम होता है और जिस कंपनी से हम जुड़ते हैं तो उसको अपना काम समझते हैं। ओके। तो जिस कंपनी में भी काम करते हैं वो कंपनियाँ हमसे बड़ी लाइक करते हैं, तो उनको कोई समस्या नहीं आती है, हमें भी कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए क्या है, धीरे धीरे हमारा जो ट्रांसपोर्ट है न्यू एकता ट्रांसपोर्ट, वो हमारा ट्रांसपोर्ट ठीक ठाक चल रहा है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम एकादा कंपनी में से और जुड़ें, कि हम एक दो चार गाड़ी और भी बढ़ाएं, जिसमें कि हम अपना व्यापार जो भी है, जो भी ट्रांसपोर्ट है, उसको अपना साफ सुथरा तरीके से रखें, किसी भाई को हमारी वजह से कोई समस्या ना आए। इसलिए क्या है, अगर कोई भी व्यापार करना है उसको साफ सुथरा रखना है, तो आगे जाके क्या है, अपना बिजनेस जो है ठीक ठाक बढ़ेगा। तो हरीश जी, आप बताएं कि 2017 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उससे पहले ये बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आपको कहाँ से आया था, ट्रांसपोर्ट बिजनेस? ये क्या है, हमारा हम ऐसे अपना ऑफिस में बैठ के बात विचार बना रहे थे, तो एक भाई और हैं हमारे संग में जो बलवान राणा जी हैं, वो घेवरा के रहने वाले हैं। तो हम उत्तराखंड नैनीताल से रहने वाले हैं, हमें यहाँ 25 साल हो गए हैं। जो हमारा पहला व्यापार है, जो बिजनेस है, वो हमारा चाय का है। वो भाई हमारे संग में बैठने लगे तो हमने एक छोटा सा विचार बनाया कि हम एक ट्रांसपोर्ट कर लें, एक गाड़ी ले लें। इसकी जरिए से वो भाई भी हमारे संग में हैं, तो उनकी जरिए से हमने गाड़ियों का काम कर लिया है, तो अपना व्यापार जो भी है ट्रांसपोर्ट का ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी के टाइम में जो गाड़ी आपके पास, कौन कौन सी गाड़ी अभी आपके अपने पास? अभी 14 फुटी हैं, 17 फुटी हैं और 19 फुटी हैं। तो आगे हमने विचार बनाया है कि हम एक दो गाड़ी 32 फुटी भी करवाएंगे। 32 फुटी करवाने का मतलब है कि आप लॉन्ग रूट के लिए भी इसका मतलब बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे? हाँ, जब हमने सोचा है कि हम ट्रांसपोर्ट कर ही रहे हैं तो हम लंबा भी चलेंगे। अभी जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं दिल्ली NCR चलती हैं लोकल लोकल, ठीक है। इसलिए क्या है, हमने सोच रखा है कि हम लंबा भी चलने का विचार बना रहे हैं, तो भाई की और हमारी बातचीत चल रही है, तो अगर हो सके तो हम 32 फुटी भी करवाएंगे। ओके ओके। तो 32 फुटी जब आप सोचे हो करवाने के लिए, तो आपने कोई विचार किया कि किधर चलाना है वो गाड़ी वगैरह? 32 फुटी का क्या है, लंबे रूट में चलेगी, जैसे क्या नाम कहते हैं अपना पूना हो गया, और अपना यहाँ क्या नाम कहते हैं हिमाचल साइड हो गया, जहाँ का भी रूट मिल जाए हमें, तो मतलब बिजनेस जहाँ का भी मिले आप करने के लिए तैयार? हाँ, वहाँ के लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल। ओके। तो हरीश जी बताइए कि अभी जो जैसे अभी जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे आपका पेमेंट किस तरह से होता है? पेमेंट ठीक ठाक होता है, कोई समस्या नहीं आती है, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक्चुअली कंपनियों का काम है, कंपनी लेट तो करती है, तो पेमेंट में कोई समस्या नहीं है, पेमेंट बराबर आती है हमारी। ओके। तो हम लोग भी उनको काम ओके करके देते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, अपना काम ठीक ठाक हो रहा है। तो क्रेडिट पे ही से बिजनेस करते हैं या फिर कैश का, जैसे कि गाड़ी लगाए आपको उसी से पेमेंट मिल गया? है अपना क्या नाम कहते हैं अकाउंट में ही आते हैं, जो भी पेमेंट आती है वो अकाउंट में आती है सारी, सारे की सारी। हाँ। ओके। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो TDS वगैरह भी आपका कटता है? हाँ, TDS वगैरह सारा कटता है हमारा, GST वगैरह, TDS सारा कटता है हमारा। ओके। एक नंबर से काम है हमारा, ठीक। अपना जो अभी है अपना फर्म जो भी हमने बनाई है, अपना न्यू एकता ट्रांसपोर्ट की कंपनी बनाई है जो भी, तो उसी की फर्म से हमारा पैसा भी आता है और कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अभी के टाइम में जो आपका 14 फुट है, 17 फुट है, हाँ, ये सारा तो अभी आपने अटैच कर रखा होगा? हाँ, या फिर हमने 3 गाड़ी अभी फिलहाल अटैच कर रखी हैं, तो जिसमें क्या नाम कहते हैं 3 गाड़ियाँ हमारी बराबर अटैच में चलती हैं। ओके। हाँ। तो अभी जैसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टर से मेरा बात होता है, हाँ, और मैंने भी ट्रांसपोर्ट में काम किया है, तो जो मैंने देखा अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की डेबिट्स वगैरह भी आते हैं, कभी मटेरियल ये डैमेज वगैरह हो जाता है? हाँ, तो डैमेज होता है। वो आपके साथ भी हुआ? नहीं नहीं, ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं होता है। जहाँ भी हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ब्रांचों में उनके आदमी होते हैं, हम माल उठा के लाते हैं, तो ब्रांचों में जैसा माल होता है वैसा हमारी गाड़ियों में आता है, तो उनके ब्रांचों से आदमी भी संग में आते हैं, ठीक है। तो जैसा माल डैमेज होगा तो वहीं अपना ड्राइवर जो है वो सारा क्या नाम कहते हैं उस माल का
हिसाब किताब बताते हैं हमें कि भाई ये हिसाब किताब इस माल का है, तो हम माल आता है तो क्या नाम कहते हैं कंपनी में मैनेजर सुपरवाइजर जो भी बैठे हैं उनसे अपना बातचीत करके उनको बताते हैं तो कोई समस्या नहीं पड़ती। अच्छा, आपने GST रजिस्ट्रेशन करवा रखा है अपनी कंपनी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करा रखा है। तो इसमें GST रजिस्ट्रेशन में ये GSTR 1, 2, 3 वगैरह फाइल करना पड़ता है, तो वो आप सब करते हैं? वो सारे क्या नाम कहते हैं वो भाई करते हैं, वही उनके हाथ में चार्ज दे रखा है हमने। अच्छा, बलवान जी जो जो अपने बंटे भाई हैं वही करते हैं सारे क्या नाम कहते हैं जो भी लिखित पढ़त का काम है उनका ही है, तो वही करते हैं। हम आपस में बैठ के बातचीत कर लेते हैं तो वो हमें बताते हैं तो हम सुन लेते हैं, तो सारे काम ओके होते हैं, कोई समस्या नहीं है, सारा एक नंबर से काम है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के टाइम में अगर 2017 में जब आप बिजनेस स्टार्ट किए हो उस समय से अभी तक आपका अगर मैं इनकम की बात करूँ तो एक ट्रक के जरिए कितना ऑलमोस्ट हो जाता होगा इनकम? बस इसमें अभी तो होना क्या है, अभी तो सारी किस्त की गाड़ियाँ हैं, हमने किस्त में लोन करवाया है, अभी तो ये है ड्राइवरों का खर्चा निकल जाता है और क्या नाम कहते हैं हमारी गाड़ी की किस्त भरी जाती है, इतनी आमदनी होती है इनमें और होना तो क्या है। एक बार गाड़ी अगर लोन फ्री हो गया तो फिर जहाँ लोन फ्री हो जाएगा तो उसके बाद क्या है थोड़ा बहुत हमें भी दिखने लग जाएगा, आगे गाड़ियाँ क्या नाम कहते हैं खर्चा भी मांगने लग जाती है। अभी तो नई गाड़ियाँ हैं हमारे पास, वो अभी तो कंपनी वगैरह गाड़ी जहाँ फ्री होंगी तो थोड़ा काम भी मांगने लग जाएंगी, तो औसत वहीं आ जाती है। तो अगर कोई फिलहाल ही है हमारा एक छोटा सा बिजनेस है हमारे पास अभी, इसको हम ये सोच रहे हैं कि आगे तक बढ़ाएं और क्या नाम कहते हैं काम करें तो नाम भी होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तरीके के काम करेंगे तो सही होएगा। बिल्कुल, तो अभी अगर मैं बात करूं कि कोई अगर आपके साथ जुड़ना चाहे, कोई अगर ट्रक आपकी आपसे लेना चाहे तो 14 फुट या 17 फुट अगर अटैच कराना चाहे तो क्या आप किस रेट में ऑलमोस्ट करवा सकते हैं? देखो गाड़ी कौन से रूट में चलेगी, कितना किलोमीटर पर चलेगी जैसे, तो वो भी देखना पड़ेगा। अगर बाहर का रूट है दिल्ली NCR चलेगी वो भी देखना पड़ेगा, उस हिसाब से हम भी देखेंगे भाई हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर पर चलेगी, ठीक उसी हिसाब से हम भी भाड़ा क्या नाम कहते हैं बताते हैं। तो आपका जो गाड़ी है CNG है या फिर डीजल? अभी फिलहाल हमारे पास CNG है। तो ये ग्रीन टैक्स का तो लफड़ा वगैरह नहीं होगा? नहीं नहीं, हमारा सारा ओके काम है, ग्रीन टैक्स का ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मतलब गवर्नमेंट ने बना रखा है जो भी कानून बना रखे वो सारे ओके है हमारी गाड़ियों में, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ठीक है। हाँ तो हरीश जी ये बताइए कि अभी के टाइम में आपके पास 4 गाड़ी बता रहे थे, अभी के टाइम में हमारे पास 5 गाड़ी है। 5 गाड़ी है, हाँ। तो अभी जो नई गाड़ी आप लेना चाह रहे हो वो कौन सी गाड़ी लेना? अभी नई गाड़ी जो है हम एक 19 फुट लेंगे। 19 फुट लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए प्लानिंग वगैरह कर रखे हो आपकी कैसे? प्लानिंग बिल्कुल ओके, कागजात हमने ओके करा रखे हैं और क्या है एक हमारी कंपनी में बात भी चल रही है, अगर उसमें फाइनल हो जाता है तो हम 19 फुट गाड़ी क्या नाम कहते हैं तो निकलवा के ले आएंगे, कागज हमने सारे ओके करा के बैंक वगैरह सारा सब कुछ हो रखा है। तो हरी जी बताइए आपका जो ऑफिस है अभी के टाइम पे कहाँ पे है? ऑफिस अपना यही है, अपना क्या नाम कहते हैं इसी सामने ही है अपना CNG का प्लांट है, उसकी बैक साइड में हमारा ऑफिस है, मतलब घेवड़ा में ही। हाँ घेवड़ा में। हाँ कोई अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है आपसे घेवड़ा में आकर के कांटेक्ट कर सकता है? कांटेक्ट के हमारे नंबर भी है, वो भाई का नंबर है मेरा नंबर है। ओके ओके। हाँ तो ये जो गाड़ी आपकी है अभी ये ओपन बॉडी है या क्लोज बॉडी है? हमारे पास अभी फिलहाल 2 क्लोज बॉडी हैं और 3 ओपन बॉडी हैं। क्लोज बॉडी में कौन कौन सी है और ओपन बॉडी में कौन? क्लोज बॉडी में है अपनी टाटा की हैं 2 17 फुटी। ओके। और क्या नाम कहते हैं 2 क्लोज बॉडी हैं 14 फुटी 1 17 फुटी और 1 अशोक लीलैंड है ओपन बॉडी। छोटी गाड़ी भी आपके पास है? हाँ एक छोटी गाड़ी भी है अशोक लीलैंड का। वो हाँ। कौन? टाटा एस। टाटा एस। तो ये अभी जैसे आप अभी कोई गाड़ी वगैरह लेते हैं तो कितना उसका जो आपको लोन पे करना पड़ता है कितने साल के लिए करना पड़ता है? वो तो अपने ऊपर है डाउन पेमेंट कितना ही कराएं, अगर डाउन पेमेंट अगर ठीक ठाक कराएंगे तो हमारा क्या है थोड़ा सा ब्याज कम लग जाएगा। ठीक है। हाँ और ज़्यादा रहता तो फिर ज़्यादा रहेगा। हाँ, मतलब अगर कम आपका डाउन पेमेंट रहेगा तो फिर लोन लोन के हिसाब से जो पीरियड होता है उसके हिसाब से ज़्यादा देना पड़ता है। ओके। हाँ ठीक है हरीश जी, धन्यवाद बात करने के ठीक लिए। ठीक है रोहित जी। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे हरीश जी थे नियोक्ता ट्रांसपोर्ट से, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और साथ ही साथ मैं इनका डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।